सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोमित्रम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। श्राद्ध पक्ष के गुरुवार को सात राशियों की चमकने वाली है किस्मत। सात राशि वालों को विशेष लाभ का योग बनने वाला है। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोमित्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम आपका दैनिक राशिफल बताने के लिए जा रहे हैं। यह दैनिक राशिफल है 14 सितंबर 2017। इस दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी और नवमी तिथि का श्राद्ध रहेगा। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृ पक्ष चल रहा है, सभी अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ श्रद्धापूर्वक श्राद्ध अवश्य ही कर रहे हैं। जैसा हमने बताया है कि गुरुवार के दिन श्राद्ध का क्या विधान होना चाहिए और किस तरह से श्राद्ध करें जिससे उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। तो मित्रों हमने जो वीडियो पहले भेजा है उसके अनुसार आप यदि श्राद्ध करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण हो सकेगी। मित्रों हम आपका दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। 14 सितंबर 2017 दिन गुरुवार का यह राशिफल है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस दिन सात राशि वालों की विशेष किस्मत चमकने वाली है। ये सात राशि कौन कौन सी है? मेष, वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ। ये सात राशि वालों का विशेष लाभ होने का योग बन रहा है। तो मित्रों हम आपको 12 राशियों का दैनिक राशिफल भी बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मान सम्मान के अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं, धन का लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के साथ साथ परिवार के साथ लंबी दूरी के यात्रा का योग बनेगा। आर्थिक लाभ होने का अच्छा संयोग निर्मित होगा, दिन आपके लिए शुभ रहेगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, सहयोगी वर्ग से आपको विशेष लाभ होने का योग बन रहा है। मित्रों से कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, परिवारजनों का सहयोग कार्य क्षेत्र में मिलेगा जिससे आपका कार्य ऊंचाई की तरफ बढ़ता जाएगा। रुका हुआ धन आपका प्राप्त होने वाला है, दिन आपके लिए शुभ रहेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। फिजूल का खर्च नहीं करें, अन्यथा आर्थिक स्थिति आपकी बिगड़ सकती है। व्यापार संबंधी कोई कानूनी समस्या आ सकती है। मानसिक तनाव आपके ऊपर रहेगा, कार्य की अधिकता से कार्य का बोझ आपके ऊपर रहेगा, इसलिए आप मन लगा करके यदि कोई काम करेंगे तो दिन आपके लिए शुभ रहेगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको आ सकती है, लेकिन धन लाभ का अच्छा योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, पदोन्नति का भी योग आपका बनेगा और आप जो भी काम करेंगे उसमें अच्छी सफलता का योग बनने वाला है, दिन आपके लिए शुभ रहेगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। प्रलोभन से आप बचे, व्यापार व्यवसाय में विस्तार की योजना बन सकती है। प्रेम प्रसंग में सफलता का योग है। परिवार में वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। मान सम्मान का अच्छा योग बन रहा है, धन लाभ का अच्छा योग है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, व्यापारिक क्षेत्रों से अधिक लाभ होने का योग बन रहा है। कोई भी पुराना व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको लाभप्रद सिद्ध होगा। लंबी दूरी की यात्रा पर आप जा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। बातचीत में थोड़ी सावधानी रखें, दूसरे लोग आपके व्यवहार से नाराज रह सकते हैं। पैसों को लेकर कुछ समस्याएं और तनाव आपको उत्पन्न हो सकता है, सावधान रहें। आपके लिए दिन थोड़ा सा मिला जुला फल देने वाला सिद्ध हो सकता है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। प्रबंधन के मामलों में सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। शत्रु पक्ष आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी। रुका हुआ धन आपका प्राप्त होगा। राजनीतिक क्षेत्र में मान सम्मान और प्रतिष्ठा का अच्छा योग आपका बनने वाला है। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। तनाव को लेकर कार्य करने के बजाय प्रसन्न चित्त रहे, मन आपका प्रसन्न रहेगा, आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। समस्याएं आ सकती है, लेकिन उनका सामना करने की हिम्मत भी आपके अंदर आएगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि की।
ग्रह गोचर आपकी बड़ी सफलता का इशारा कर रहे हैं। मन प्रसन्न रहेगा, साथ ही मनोबल में वृद्धि होगी। दिन आपके लिए शुभ रहेगा। जो भी काम आज आप करने वाले हैं उसमें लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। नया वाहन, नई वस्तु खरीदने का आज योग बन रहा है। नया कार्य क्षेत्र भी आप अपना चुन सकते हैं और जो भी आप नया निवेश करने के लिए जा रहे हैं उसमें भी अच्छा और बड़ा लाभ होने का संकेत मिल रहा है। दिन आपके लिए शुभ है। सभी प्रकार की सफलताएं आपको मिलने का अच्छा योग बनने वाला है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आर्थिक उतार चढ़ाव के चलते तनाव कुछ बढ़ सकता है। बिना कारण ही मित्रों से विवाद की स्थिति बन सकती है। मन में आप धैर्य रखें, शांति बनाए रखें। दिन आपके लिए शुभ रहेगा। तो मित्रों, हमने यह 12 राशि का यह राशिफल आपको बताया और हम अब आपको बताने जा रहे हैं कि 12 राशि वाले क्या क्या उपाय करें जिससे उनको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकेगी। मेष राशि वालों के लिए दिन में गाय को जो है चने की दाल और गुड़ खिलाना शुभ कारक सिद्ध रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज के दिन विशेष रूप से गरीबों को भोजन कराना या खीर का दान करना विशेष शुभ रहेगा। और मिथुन राशि वालों को गाय को हरी घास खिलाना अत्यंत शुभ फलदायी सिद्ध होगा। कर्क राशि वालों को आज के दिन भगवान शंकर जी को दूध गंगा जल मिला करके चढ़ाना चाहिए। इससे दिन आपका अत्यधिक शुभ फल देने वाला होगा। सिंह राशि वालों को आज जब काम के लिए घर से निकले तो बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही निकले। उससे दिन आपका शुभ रहेगा। कन्या राशि वाले आज गणेश जी को दूर्वा और मोदक चढ़ा करके यदि घर से निकलते हैं तो दिन उनके लिए शुभ रहेगा। अब हम आपको बता दें कि तुला राशि वालों को आज के दिन भगवान हनुमान जी को लाल फल और लाल मिठाई अर्पण करना चाहिए। उससे दिन आपका शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वाले आज भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण जी को पीला भोग लगा देंगे, पीली मिठाई या पीला फल, तो उससे दिन उनका शुभ व्यतीत होगा। धनु राशि वाले आज के दिन भगवान शंकर जी के मंदिर में बिल्व पत्र अर्पित करेंगे। दिन उनके लिए शुभ रहेगा। मकर राशि वाले आज गरीबों को वस्त्र दान करेंगे। इससे दिन उनका अत्यधिक लाभ देने वाला रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज के दिन भगवान शनिदेव को काला तेल और काले तिल दोनों मिला करके चढ़ा देना चाहिए। जो तिल का तेल आता है उसमें तिल मिला करके यदि चढ़ा देंगे तो आपके लिए दिन और भी शुभ हो सकेगा। मीन राशि वाले आज भगवान विष्णु के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में कोई भी पीला वस्त्र यदि अर्पित कर देते हैं तो दिन आपके लिए शुभ रहेगा। आज का एक अचूक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। यह अचूक उपाय है कर्ज से मुक्त होने का। यदि यह अचूक उपाय आप करते हैं तो निश्चित तौर से आप कर्ज से मुक्त हो सकेंगे। आपको करना बस ये है कि आप एक लाल कपड़े में मसूर की दाल रखिएगा और उस कपड़े को अपने सिर से पैर तक 7 बार उतारिएगा और किसी भी जलाशय में उसको डाल दीजिएगा। आपको मसूर की दाल केवल एक बार ही 7 बार जो है उतारना है। एक दिन 7 बार उतार करके उसको जल में आप प्रवाहित कर देंगे, उससे आप कर्ज से मुक्त हो सकेंगे। आज का एक महामंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, उसका यदि आप जाप करते हैं तो आपके लिए दिन अत्यधिक शुभ रहेगा। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। यदि आप ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करते हुए घर से निकलते हैं तो दिन आपके लिए शुभ फलदायी होगा। और आज यदि आप अपने ऑफिस से या कार्यस्थल से घर की तरफ आते हैं तो आज अपने साथ पीला फल या पीली वस्तु या पीले कपड़े घर लेकर के आएंगे तो दिन आपके लिए शुभ रहेगा। तो मित्रों, हमने आपका दैनिक राशिफल बताया और उसके साथ यह भी बताया कि सभी राशियों वालों को क्या क्या उपाय करना चाहिए, इससे दिन उनका
उत्तम साबित हो सके। और यह भी बताया कि आज का महामंत्र क्या रहेगा और घर आते समय आपको क्या लेकर आना चाहिए, यह हमने आपको सब कुछ बताया। तो आप इसी प्रकार लगातार ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप देखते रहिए। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सादर जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।